सो हे गाइस, आज के ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का दिल से स्वागत है। तो गाइस, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं Redmi Note 10 Pro Max के एक्सट्रीम गेमिंग टेस्ट के बारे में। जी गाइस, जैसे कि हम सभी को पता है कि ये बाय डिफॉल्ट ऑफर करता है स्मूथ में अल्ट्रा, तो हम इसे स्मूथ और एक्सट्रीम पर पुश करने वाले यूजिंग कॉन्फिग। जी गाइस, GFX टूल इसमें वर्क नहीं कर रहा है, इसलिए हम इसमें कॉन्फिग यूज़ करके इसे स्मूथ और एक्सट्रीम पर पुश करने वाले हैं। और आप सभी अगर इस फोन को लेने के लिए सोच रहे हैं और चाहते हैं कि आप इसमें एक्सट्रीम में गेमिंग कर पाएँ, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली, क्योंकि हम जानने वाले कि 60 FPS में किस तरीके की आपको परफॉर्मेंस प्रोवाइड करके दे देगा और क्या ये फोन आपको गेमिंग के लिए कंसीडर करना भी चाहिए या नहीं। तो इसी कारण से ये वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हमारी आज के अमेजिंग वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन गाइस, आगे बढ़ने से मैंने आपको एक बात क्लियर कर दूं कि यार मुझे पता है कि आप सभी को पसंद है कि एक्चुअल गेमिंग रिव्यू देखना, कोई भी किसी के भी बात को सुन के उसकी बात पर यकीन करना नहीं चाहता और वो ऑब्वियसली बात है वो तो डिसलाइक करेगा। लेकिन गाइस, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए, उसके बाद ही अपने लॉजिकल स्टेटमेंट के बेसिस पे इस वीडियो को जज कीजिएगा, क्योंकि गाइस मुझे कोई मेडल नहीं मिल जाएगा आपसे झूठ बोल के। मुझे बस अपने यूजर के बीच में एक ट्रस्ट क्रिएट करना है और इसी कारण से मैं आपको जो भी इन्फॉर्मेशन दूंगा वो सही ही देने की पूरी कोशिश करूंगा। बाकी जो भी होगा ये सब तो आपका डिसीजन रहेगा कि आपको इस वीडियो को किस तरीके से जज करना है, लाइक करना है, डिसलाइक करना है, ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इस बात को साइड पे आ जाते हैं हमारे पॉइंट पे। सबसे पहले हम बात करते हैं Redmi Note 10 Pro Max के कुछ स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो अभी आप देख सकते हैं इसके स्पेसिफिकेशन को, मैं इसे डिटेल में एक्सप्लेन करके आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करूंगा, लेकिन कुछ हाइलाइटेड पार्ट के बारे में बात कर लूं। जैसे कि इसका डिस्प्ले, तो यहाँ पे आपको 120Hz का रिफ्रेशिंग रेट वाला डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा विद सुपर एमोलेड डिस्प्ले, एंड यहाँ पे आपको LPDDR4X एंड UFS 2.2 रोम देखने को मिलती है। एंड बात करते हैं इस फोन के सबसे बड़े हाईलाइट यानी इस फोन के प्रोसेसर के बारे में, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है स्नैपड्रैगन का 732G, एंड यही सेम प्रोसेसर देखने को मिलता है Redmi Note 10 Pro में भी। तो सिमिलरली आप समझ सकते हैं कि इन दोनों की परफॉर्मेंस बिल्कुल लिटरली आपको सेम ही देखने को मिल जाएगी। तो समझ लीजिए इस फोन की गेमिंग रिव्यू अगर आप देख रहे हैं तो आपने Redmi Note 10 Pro की भी गेमिंग रिव्यू देख लिया है। तो बात करते हैं इस फोन के अदर फीचर के बारे में, जैसे कि इसके सेंसर्स, तो यहाँ पे आपको सारे के सारे सेंसर्स देखने को मिल जाएंगे इंक्लूडिंग फिजिकल जायरोस्कोप। जायरोस्कोप में सच में कोई भी डिले आपको देखने को नहीं मिलता है, बहुत ही अच्छा जायरोस्कोप आपको देखने को मिल जाएगा। तो देखा जाए तो ये फोन काफी तगड़ा निकल के आता है इसके स्पेसिफिकेशन के मामले में एंड इसके ओवरऑल लुक के मामले में। लेकिन जानना ये इंटरेस्टिंग होगा कि ये अपनी एक्सट्रीम गेमिंग टेस्ट में किस तरीके से परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड करके देता है और क्या ये फोन आपको गेमिंग के लिए लेना भी चाहिए या नहीं। तो चलिए ये तो होगी थ्योरेटिकल इन्फॉर्मेशन, आगे चलते हुए जानते हैं प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस के बारे में कि प्रैक्टिकली ये फोन आपको गेमिंग में किस तरीके की परफॉर्मेंस प्रोवाइड करके दे देगा। तो लिटरली इसी कारण से हम इसमें टेस्ट करने वाले PUBG Mobile Korean को, एंड PUBG Mobile Korean में आपको जो बाय डिफॉल्ट ग्राफिक्स देखने को मिलती है वो सभी को पता है कि स्मूथ में अल्ट्रा ये ऑफर करता है, लेकिन हमने इसे कॉन्फिग यूज करके इसे स्मूथ और एक्सट्रीम पे पुश किया है। तो वही बात करते हैं गेम प्ले के बारे में, तो सबसे पहले हम बात करते हैं TDM के बारे में। तो TDM में आपको 60 FPS में उतना ज्यादा फ्रेम ड्रॉप देखने को नहीं मिलेगा। जी हां गाइस, आपको फ्रेम ड्रॉप देखने को मिलता है लेकिन उतना ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा। मैं आपको बताऊंगा कि आपको कितना देखने को मिलता है, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि आपको ग्राफिक्स के मामले में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ देखने को नहीं मिलता है एंड कोई भी लैग वाला इशू आपको देखने को नहीं मिलेगा। और रही बात करते हैं FPS की स्टेबिलिटी के बारे में, तो आपको 55 से लेकर 60 FPS बहुत ही अच्छी तरीके से TDM में मेंटेन करके दे ही देगा। हाँ, थोड़े बहुत सिचुएशन में इसके जो FPS है वो 53-54 तक जाते हैं, लेकिन वो बहुत रेयर कंडीशन में होता है। मोस्टली ये फोन 55 से लेकर 60 FPS के बीच में होवर करता है, आपको दिखाई देगा TDM में। लेकिन वही बात करते हैं एक्चुअल गेमिंग के बारे में, एक्चुअल मैप में अगर आप गेमिंग कर रहे हो, कोई भी मैप हो, तो उसमें थोड़े यहाँ पे आपको FPS का ड्रॉप डेफिनेटली देखने को मिल जाएंगे। जी हाँ गाइस, अगर आप थोड़ा नॉर्मल सिचुएशन में हो तो वहाँ पे आपको ज़्यादा FPS का ड्रॉप देखने को नहीं मिलेगा। 50 से लेकर 60 के बीच में ये काफ़ी अच्छी तरीके से मेंटेन करके रखता है, लेकिन सपोज टू भी अगर आप फाइट ले रहे हैं तो उस समय पे इसके जो FPS है वो 45 से लेकर 55 के बीच में फ्लक्चुएट करते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे आपको जो बाय डिफॉल्ट ग्राफिक्स देखने को मिलती है स्मूथ में अल्ट्रा, ये सिमिलरली आपको उसी की जैसी परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड करेगा, लेकिन आप स्मूथ एंड एक्सट्रीम पे गेम प्ले कर रहे हैं इसके कारण आपको बाय डिफॉल्ट ग्राफिक्स से थोड़ी अच्छी परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल जाएगी। अगर आप इसमें 60 FPS में गेम प्ले करोगे तो यहाँ पे आपको 45 से लेकर 55 FPS बिल्कुल डेफिनेटली देखने को मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पे आपको कोई भी कांस्टेंट FPS देखने को नहीं मिलेंगे। जी गाइस, बहुत ही इरेगुलर तरीके से इसके जो FPS है वो दिखाई देंगे, यहाँ पे आपको कोई भी कांस्टेंट FPS देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप नॉर्मल सिचुएशन में हो, कोई भी फाइट नहीं ले रहे हो, तो उस समय पे आप कंसिडर कर सकते हो कि आपको 54, 53 एंड 55 FPS आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन जैसे ही आप फाइट लोगे उस समय पे इसके जो FPS है वो 45 से लेकर 55 के बीच में फ्लक्चुएट करते हैं और वो भी इरेगुलर तरीके से। तो आपको कांस्टेंट FPS बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेंगे। अगर आप बाय डिफॉल्ट पे गेम प्ले करते हो 40 FPS में तो कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आप उसे स्मूथ एक्सट्रीम पे पुश करोगे तो उसके बाद में आपको 40 FPS से थोड़ी बेहतरी परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल जाएगी। ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस फोन के साथ में, लेकिन उतनी भी यहाँ पे आपको अच्छी परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलेगी। तो अगर आप इस फोन कंसिडर करना चाहते हो तो आप कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपको 60 FPS में उतनी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलती है जितनी हमें एक्सपेक्टेड थी इस फोन से। जी गाइस, इसमें आपको उतनी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलती है। बाकी आप सभी क्या सोचते हैं इस स्मार्टफोन के बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। आशा करता हूं कि मैंने आपको जो भी इन्फॉर्मेशन बताई आप उसे रिलेट कर पाए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो भाई क्या कर रहे हो यार, लाइक करो यार,
शेयर करो और हाँ कैसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि ऐसे अमेजिंग वीडियो आपसे बिल्कुल भी मिस नहीं होनी चाहिए। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।